दो बात ध्यान रखनी आने वाले हमारे सारे समाज को, सारा समाज खड़ा है, हमको राष्ट्रवादी और धर्मादित रहना, भारत माता की जय बोलनी है, ठीक है, सत सनातन धर्म इस भारत का आत्मा है। अगर यहाँ रहने वाला हर आदमी हिंदू है, वो पहले ना अपने को मुसलमान कहे, ना सिख कहे, ना ईसाई, ना बौद्ध, अमेरिका में रहने वाला अमरीकी कहलाएगा, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी कहलाएगा, चीन में रहने वाला चीनी कहलाएगा, फिर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू क्यों नहीं कहलाएगा? तो जरा सी फर्क है, हम भारत माँ को अपनी माँ माने और बाकी जो हमारे सारे आराध्य हैं, सारे धर्म हमारे लिए बराबर हैं। हम जितनी श्रद्धा शंकराचार्य जी के लिए करते हैं, उतनी श्रद्धा हम अम्बेडकर जी के लिए भी करते हैं, जितना हम मान भगवान श्री राम को देते हैं, उतना महात्मा बुद्ध को भी देते हैं। ये भारतवर्ष सारे धर्मों को संरक्षण देने वाला है, तभी तो सारे धर्म यहाँ आते। क्या पाकिस्तान में हिंदू अब आपको देखने को मिलता है? क्या अफगानिस्तान में हिंदू कहाँ गए, सिख कहाँ गए, जैन कहाँ गए? ये भारतीय संस्कृति की उदारता है, जियो और जीने दो। तो भारत जो सबका भार को धैर्य से धारण करे, उसका नाम भारत है। अदर जी, आपकी सब लोग बात सुनेंगे, इसलिए आपकी आपसे एक और बात पूछ लेंगे। अभी आपने बोला कि भारत में अगर हम लोग रह रहे हैं तो भारत माता की जय तो बोलना चाहिए, लेकिन कुछ दिनों पहले हमने, आपने भी ये तमाम चीज़ें देखी होगी, अगर सामाजिक तौर पर आप जुड़े हों तो आपने देखा होगा कि कई मुस्लिमों को इस वजह से भी मारा गया, ज़बरदस्ती उनसे भारत माता की जय बुलवाया गया। तो क्या उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है कि अगर उन्हें किसी चीज़ की इज्जत करनी है तो क्या वो बोल के ही बताएँ? और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो हमने हल्द्वानी में देखा या कई जगह पर और हमने ये बातें देखी कि भाई एक मदरसे को तोड़ दिया गया, 14 तारीख का इंतज़ार नहीं किया गया, उस दिन फाइनल रिजल्ट आने वाला था, सुनवाई होने वाली थी, नहीं वो किया गया, उसके बावजूद फिर जो मुख्यमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि जितने अवैध घर बने हुए हैं उन सबको भी तोड़ा जाएगा, तो क्या ये एक तरीका नहीं है घनी बस्ती में लोगों को हटा देने का, मिटा देने का? आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा धार्मिक उन्माद फैला देने का एक तरीका हुआ? बिल्कुल ठीक कहा है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमने उनसे कहा था कि आप हमारे राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाएं, हमने उनसे कहा कृष्ण भूमि तोड़ के आप ईदगाह बनाएं, हमने उनसे काशी तोड़ के आप ज्ञानवापी मस्जिद बनाएं। क्या जहां पर आप घूम रहे हैं इस एरिया में दो मस्जिद हैं, तो विदुर जी के ज़माने में थी क्या? अवैध मदरसा हो या मस्जिद हो, ये लैंड जिहाद है कि पहले थोड़ी सी मज़ार बना दो, फिर थोड़ा सा वो बना दो, फिर वहाँ पर भोंपू लगा दो, जब जोर जोर से आजान होंगी तो लोग आसपास के भागना शुरू कर देंगे। अब रही बात, कुछ लोगों ने उनको मारा जिन्होंने क्या नहीं बोला भारत माता की, इससे पहले आपने आईएसआईएस का देखा कितना उन्होंने सिर कलम करके डाल दिया था, उन्होंने क्या करा था? वो तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे आप मुस्लिम धर्म मानो नहीं तो हम क्या करेंगे, आप काफिरों काट डालेंगे। कभी कभी कुछ जगह ऐसे लोग आ जाते हैं जो ऐसी घटना को कारित कर देते हैं जिससे सारा समाज क्या होता है, बदनाम होता है। कोई सौहार्द की बात भी बोल दीजिए, अब आप बड़ा एग्रेसिव हो गए, और एक कोई शांति का संदेश भी दे दीजिए पंडित जी। देखिए, शांति का संदेश तो मेरा ऐसा है कि हमारे मुस्लिम वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम आज़ाद, अर्थात वो मुस्लिम यहाँ हिंदू बन के रहें, हिंदुस्तानी, अगर वो लोग ISI लादेन का, जरदारी का, इन लोगों को फॉलो करेंगे, इनको हीरो मानेंगे अगर वो, तो फिर हम उनको छोड़ने वाले नहीं। सौहार्द ये है कि वो हमारे भाई बन के रहे, वो यहाँ के हमारे भाई बन के रहे। अगर वो आतंकवादियों का समर्थन करेंगे तो हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ते, ये हमारे गीता में लिखा है। और बाकी मेरे प्रिय भाई हैं, मेरे अधिकतर जिगरी दोस्त सब मुस्लिम हैं, बड़े बड़े अच्छे मुस्लिम हैं, लेकिन वो सब अच्छे उसके हैं, लेकिन जो आतंकवाद की बात करेगा वो हमें बर्दाश्त नहीं है, जो भाईचारे की बात करेगा तो हम तो उसके लिए पहले भाई।